लेकिन आपकी सरकार जब से बनी है इट्स कम अंडर क्लाउड कि ऑपरेशन कमल के तहत बनी लेजिटी लेजिटिमाइज नहीं हो पाई है कोर्ट ने भी कह दिया कि इट यू नो लेफ्ट इट टू द स्पीकर तो एक एक जैसे बादल छाया हुआ है ना ओवर द लेजिटिमेसी ऑफ योर गवर्नमेंट आपको नहीं लगता कि ठीक uh, से मतलब इलेक्शन जीत के क्लियर मैंडेट की तरफ आना चाहिए था कि तरह से हम देखिए एम के की जो गवर्नमेंट है ना

हमारे उद्धव ठाकरे जी ने भी कहा और उस समय उस सरकार को जनता ने 170 सीटों का मैंडेट दिया आउट ऑफ 288 एटी एट वन अराउंड हंड्रेड और हमारे एलाइज़ वगैरह पकड़कर शायद 175 तो एकदम लैंडस्लाइड मैंडेट जनता ने दिया उसके बाद उस मैंडेट में जो हारे थे जिनको मैंडेट नहीं मिला था उनके साथ उद्धव ठाकरे गए और उन्होंने सरकार तैयार की तो ये तो इलिजिटिमेट सरकार हुई और जो लोग उस सरकार में से निकलकर हमारे साथ आए वो सब लोगों ने हमारे साथ वोट मांगे थे शिंदे जी और शिंदे जी के साथ जो चालीस लोग आए इन्होंने तो बाला साहब ठाकरे और मोदी जी के फोटो लगाकर वोट मांगे थे ना इन्होंने शरद पवार के फोटो लगाकर या इन्होंने कोई और किसी कांग्रेस के राहुल गांधी के फोटो लगाकर वोट नहीं मांगे थे तो लेजिटिमेट तो हमारी सरकार है जो हमारे साथ चुनकर आए थे जिनको लोगों ने चुनकर दिया था मैंडेट दिया था वो मैंडेट अभी लेजिटिमेट मैंडेट हमारा है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने हमारी सरकार को बेदखल नहीं किया या हमारी सरकार पर कोई तंज भी नहीं कसा सुप्रीम कोर्ट ने केवल इतना ही कहा है कि डिस्कालीफिकेशन का जो मसला है सुप्रीम कोर्ट उसमें कोई निर्णय नहीं दे सकती वो स्पीकर का डोमेन है स्पीकर ने उसको देना चाहिए मैंने एक दिन पढ़कर सुनाया कि उद्धव ठाकरे जी ने जो पिटीशन की थी या उनकी पार्टी ने पिटीशन की थी सो so उस पिटिशन में उनके तेरह डिमांड्स थी थर्टीन नॉट अ सिंगल हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट नॉट अ सिंगल तो इसका मतलब क्या है सो दिस इज अ वेरी वेरी लेजिटिमेट गवर्नमेंट इट इज अ गवर्नमेंट वेर इन ऑल द पीपल इन द गवर्नमेंट आर इलेक्टेड टूगेदर बाय द पीपल्स मैंडेट और यही गवर्नमेंट वापस चुनकर आएगी